down, 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 down. Let me turn it down, down. Down, 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 down. Let me turn it down, down. Down, 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 down. निजीकरण को बंद करो. बंद करो, बंद करो. निजीकरण को बंद करो. बंद करो, बंद करो. लाइव चला रहा हूँ. हर कोई बोले जिंदाबाद. आशीष तुम लगाओ ना यार नारा. बोले साथी हल्ला बोल. तेरे संग हल्ला बोल. अरे यूजीसी पर हल्ला बोल. हल्ला बोल हल्ला. और जोर से हल्ला बोल. हल्ला बोल हल्ला बोल. हाथ उठाकर हल्ला बोल. हल्ला बोल हल्ला बोल. अरे मैं भी बोलूँ तू भी बोल. हल्ला बोल हल्ला बोल. अरे मुट्ठी बांध कर हल्ला बोल. हल्ला बोल. भाई आलोक जी एंड विवेक जी आप नहीं आके भी बता सकते हैं. मैं तो चाह रहा था कि वहां बोले हो वही मान रहा हूँ. मान लिया आपका डिमांड मान लिया हो. अब यही रहेंगे. कोई नहीं कोई जरूरत नहीं. देखिए बीमार हो जाओगे. कर लूंगा. अभी 28 तारीख को भी भूख हड़ताल करना है धूप में. 30 तारीख को और 30 को वो करेंगे. साथियों बहुत लोग जो लोग 9:05 तक पहुंच चुके थे उनको मैं कुछ चीज बता चुका हूं. बट मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर्मली. आज 9 के बाद टू जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ द यूजीसी हैड गिवन मी अ कॉल and through me telling the whole country probably and especially to Delhi University कि आज के full commission के agenda से autonomous status to, which was to be given to St. Stephen's College has been shelved for today's meeting. Shame. बट नेक्स्ट सेकेंड में यही क्वेश्चन मेरा था
ऑटोनोमस कॉलेजेस की जो स्टेटस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को जो दिया जा रहा है वो क्या आप शेल्फ किए हो? बोला नहीं सर। तो मैं बोला आप लोग क्या किए हो? बोला एक ने बताई कि लीगल वेटिंग के लिए भेज रहा हूं और एक ने बताया कि लीगल ओपिनियन के लिए भेज रहा हूं। तो साथियों ये लड़ाई जारी है, ये लीगल ओपिनियन लीगल वेटिंग जो चीज है इट इज वेरी क्लियर। सरकार का मंशा यही है कि ऑटोनोमस कॉलेजेस खाली सेंसिटिवस नहीं और भी कॉलेजेस को देने का ही इरादा है। लीगल ओपिनियन से ये हमारे एक्ट और स्टैट्यूट बदलने का फुल कोशिश करेंगे ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और पॉइंट है कि आज जरूर आज स्पेसिफिकली कमीशन मीटिंग में जब न्यूज मिला था हमें 3-4 दिन पहले, उसके कारण मेन इशू के रूप में तो लोग आई हैं, बट 5 मार्च के जो रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर जो चिट्ठी है वो क्लियर कट ऑर्डर आए कि 5 मार्च के नोटिफिकेशन शुड बी टेकन बैक एंड द एडवर्टाइजमेंट which has happened for nearly 2,000 posts in Delhi University must stand. This is a job. Number 2, allowances 5th September, फिर 12 February, 28 March, हमें बोलते जा रहा है, 14 April, कभी हिंदी में छप रहा है, कभी कर्नाटक के बाद होंगे, पर अभी तक नहीं हुए हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि टीचर्स कर्मचारी और स्टूडेंट्स के जॉइंट रैलीज के लिए 27 मार्च को जो चिट्ठी जो सरकार बता रहे थे, जो मैं कल जीबीएम में भी बोल रहा, जो लिख के नहीं देंगे बोल रहे थे वो भी लिख के देना पड़ा कि 100% देंगे अभी के लिए टीचिंग के लिए। वो नॉन टीचिंग के लिए अभी भी चिट्ठी नहीं दिए हैं। लोगों को लगता है कि 7 पे कमीशन हमें मिल गया। कुछ स्टूडेंट दोस्तों को मैं ये बताऊं कि इन वन सेंस तो ओके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं के नाते आपके टीचर्स को एट द मोस्ट 68% तक मिला है। We can have this picture कि over 770 universities in the country, whether it is JNU, because I see the JNU president here, whether it is the Delhi University, we have received something. Of the 37,000 plus colleges, only 68 colleges have got something, and which is all due in some sense to our concerted efforts. But I think our effort is not only for Delhi University or only for the teachers. The issues are for the whole country. And we have this responsibility because staying in Delhi gives us certain advantages. So let us be very clear that counting of past services in the regulations, very important issue for the teachers, and many researchers who are here who will become teachers in the future. Agar aapke MPhil PhD ka increment har jata hai, aapke liye main bata raha hu, ye khali hamare se paisa nahi katega. आप लोग जो आने वाले दिन में टीचर बनोगे, मैं आपको जस्ट सिंपल हिसाब बता रहा हूं, आज के दिन में 12,500 का नुकसान हर महीने है, 12,500 रुपया। हमें जरूर बताए हैं, दे आर कंसिडरिंग इट पॉजिटिवली, बट ट्रेड यूनियन तो हमें यही सिखाया है, लिख के दो,
आज हमें लिख के तो नहीं मिला, ये भी आपको बता सकता हूं, फोन में और गेट तक बुला के ये बताया गया है, बट हम तो तभी विश्वास करेंगे मीटिंग के बाद जब कुछ लिख के देंगे, तभी कुछ विश्वास होगा, नहीं तो नहीं। ये कभी एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, कभी जो टीचिंग कम्युनिटी में जो सेक्शन हैं उनके लिए हम लोग जो डिमांड करते हैं उसको हटा देते हैं, और एजीएफए जो विवेक जी बहुत हमें क्लियरली बोल रहे हैं बताने के लिए, गिफा जहां है वही है, एमओयू जो साइन करना है यूनिवर्सिटीज को वो वही है। अभी हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत बढ़िया चीज है, लेके लीजिए, बट एक चीज क्लियर है, और एटलीस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स को